हाँ जी, क्या नाम है तुसा ना? जी दिलशाद बेगम। अच्छा, तुस कड़ी जगह रहने हो? जी अस जोट वार्ड नंबर 2 बीच रहने वाले। और तुसे के किस किस्म ने परेशानी है, तुसे किसने मारा? जी जनाब असंगी फॉरेस्ट आलिया जिस वक्त तार लाई सी ता असंगी तकरीबन 2-4 एक मरले जगह उन्हें छोड़ी थी। उन्हें आखिया सी इतना मकान नहीं बनाना, इतना कोई चीज चीज नहीं रहनी, लेकिन ये इतना तुस माल बच्चा बन सकने हो, कोई वैसा चीज रख सकने हो। इसे तरह जी असली नाल कमंड लिया वो बंदा, उन्होंने कोल जनाब तकरीबन 10 कनार रकबा है। उन्होंने क्या किया कि जिस 26 आले दिन में गया अपने अस उन्होंने जुल्म ने बावजूद करके मैं घर छोड़ने इसे पर किसी ने जमीन ला अपने मकान को दूर 26 आले दिन मेरे बच्चे लगे आखन के मम्मी असें स्कूल जाना, मैं बच्चियों की देखन उठे तैयार करन गई हूँ। वो बंदे दौड़ने आए उठे, वो बंदा खुन्ना सी मकान बनाना सी, वो बंदा दौड़ने आया, उस बंदे ने 2 बंदे पे, एक ना तारक है, एक ना रियाज है, एक ना मख्तियार है, उन्हें 2 बंदे ने मेरे आन ने मारिया, मेरे जिस्म ने नाल एक कपड़ा नहीं छोड़िया, मेरे पर बहुत जुल्म किया, मैं नंगी करके उन्हें मारी। जनाब मैं आई यहाँ ने एप्लीकेशन दी कि मेरे नाल कोई इंसाफ होना चाहिए, मेरी बच्चियां जवान हैं, वो बुरे तरीके नाल पेश आने, तो मेरे कोई आई इस टाइम थोड़ी में इंतजार हाँ, कोई इंसाफ नहीं मेरी, ना मेरा मोबाइल भी तोड़िया, मेरे मारिया भी, मेरी बुरी कंडीशन की थी, मेरे इस वक्त सरकार की वजह ने नाल कोई इंसाफ जड़ा वो नहीं मिल रहा मेरे इस वक्त तक। मैं दर्ब दर फिर मैं घरों निकल गई हाँ, मेरे बच्चे मेरे धमकी आते ने उन्होंने पार्टी है, मैं मुसाफिर हाँ, मेरा रब तुझ वैर कोई नहीं है, मेरी गुजारिश है मैं हाथ बनी हाँ, मैं झोली रखनी हाँ कि जिस जनाब तोड़ी, जिस मुलाजम तोड़ी, जिस सरकार तोड़ी, मेरी अपील जैसी मेरे कोई ना कोई सरकार मेरी मदद करना चाहते हैं कि मैं भी मस्कीन आजिज इस दुनिया पर गुजारा करा, मेरे बच्चे जीन या मैं जिंदगी मोशर करा, मैं मस्कीन औरत ना कोई नहीं है, मेरे कोई इंसाफ नहीं मिल सकिया, मैं मर्दा ने मारी हूँ औरत जात, त्रै आदमियों ने मारी हूँ मैं, जिसनी वजह नाल मेरे 4 परेशन होए ने, मेरे 8 नी तकलीफ हुई है, ते मेरा कोई कुछ नहीं हो सकया कि मेरी भी कोई मदद हो है। मेरे एस बी साहब तोड़ी, एस एच ओ साहब तोड़ी, जिते तक ये मेरी आवाज पहुंचे, मेरा सवाल है, मेरी चोली है, मैं हाथ बननी हाँ कि मेरी मदद की जावे, मैं मस्कीन ना, मेरी इतने मेरे को कुछ नहीं है, कल मेरा बच्चा मरिया, मैं मरी हाँ, मेरा खामद मरिया, क्यों वो 10 आदमी मर्द पे ने उन्होंने पार्टी है, मेरा कोई नहीं है खदा तू सवैर, मैं मरी हाँ, मेरा बच्चा मरिया, मेरा खामद मरिया, वो मेरे के करन के कत्ल ने जिम्मेवार, एक बारी मैं टैंक बनाया पानी ना उस भी टट्टी पाई, मैं मुर्गे रखे उन्हें मेरे मुर्गियों की कुछ पाया, मुर्गियों ने सिरसिया काले सन, ताज काले सन, मेरे 4 मुर्गे, मैं जनाब बहुत परेशान हाँ, बहुत रोनी हाँ, मैं हाथ बननी हाँ, मैं झोली रखनी हाँ कि मेरा सवाल है ने किसी तरीके, मेरा सवाल है कि मेरी कोई ना कोई मदद की जाए, मैं आज भी मरी नहीं, कल भी मरी नहीं, मैं एक बहुत बेसहारी औरत हूं। ठीक हाँ जी, क्या नाम है तुसा ना? जी मोहम्मद रफीक जी। ये तुसा ने क्या लगने से? जी ये कारवाली में है। कारवाली है, किस किस्म की परेशानी है तुसा? जनाब परेशानी ऐसा की है कि असा ने मले ने बीच थोड़ी थोड़ी जगह फॉरेस्ट नहीं जड़ी है, मकाना ने पीछे आनी है, तो उसने बीच है जी कि सारे को अगर गवर्नमेंट ने अगर फॉरेस्ट ने जगह छोड़ी दी, सारे ने आकर उस बीच असा ने भी हक होना चाहिए, उस बीच है कि अस रहने इसे पर इस टाइम थले अपना मकान जरा ऊपर है, उत्थे मेरे बच्चे रहने, और 26 आले दिन ये मसला होया जी कि मैं पूर्ण इसे थले मेरी सेहत खराब थी, तो ये गई मैं बच्चे की देखा वा कि बच्चे स्कूल जा सकते तैयार कर रहा हूँ, और असने मकान में पीछे थोड़ी जगह कोई 3 मरले जगह 4 मरले असें भी छोड़ी दी फॉरेस्ट आने, और बंदे जड़े उत्थे उस टाइम खनाई और राह थी कितने खनाई करने रहते रही, ये गई ने पूछा जाके कारवाई मेरी ने है जी इतना क्या कर रहे हैं, कुछ बस पूछन भी उन्होंने क्या किया जनाब के इसकी 26 वाले दिन बड़ी भैड़ी तरीके ना जनाब, हर एक बंदे की धी भेड़ है, तो इसकी इंसाफ मिलना चाहिए ना,
कि देखो असें ना कितनी नानसाफी है कि मेरे मकान ने उपरूँ मेरी औरत की चाह के बंदे ने मारे और असें की किसी ने यही पूछा कि क्यों क्यों मारा गया क्या होया गलती की है इसनी। जनाब असानी गुजारिश है SHO साहब और नमें जड़े SSP साहब आए हैं कि असें की इस चीज़ बिच इंसाफ मिलया जाए कि 26 वाले दिन देखो बहुत बड़ा तिरंगा लहराया जाना है लेकिन 26 वाले दिन एक औरत नहीं जात की मारा गया किसी ने इंसाफ इसकी नहीं दिता क्योंकि हूँ कानून जड़ी है आखने निकली है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन उसने तहत इसकी कुछ भी नहीं मिला गया इसने नाल इंसाफ नहीं हो सकया। जनाब मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ पर थोड़ा गौर किया जाए और असें की इंसाफ मिला जाए।